पर 2021 और 2022 में जो संवेदनशील घटनाएं हुई थी उनकी सूची बनाई हुई है और उन घटनाओं जिन घटनाओं में अपराधी नहीं पकड़े गए हैं या घटनाओं का उद्भेदन नहीं हो पाया उनके उद्भेदन हेतु प्रयासरत हम लोग हैं। उसी क्रम में इस बार हम लोगों की करीब 4 नई घटनाओं का खुलासा हुआ है। कल 8 से 10 माह पहले समस्तीपुर जनपद में कुछ सनसनीखेज घटनाएं हुई थी, संवेदनशील घटनाएं हुई थी, उनका खुलासा हुआ है। और इस पूरी घटनाक्रम में कुख्यात अपराधी मोहम्मद दुलारे अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। 1 पिस्तौल बरामद है, 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अलग अलग घटनाएं इन लोगों ने की थी, घटना में लूटा हुआ सामान और घटना में जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया था वो बरामद हुए। इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए SIT बनाई गई थी, DIU की सभी टीमें इसमें लगी हुई थी और जिन जिन क्षेत्र में घटनाएं हुई थी वहां के थाना प्रभारी खानपुर, वारिसनगर, टाउन, मथुरापुर, ओपी, ये सब लोग भी इस टीम में सक्रिय थे। सक्रियता के आधार पर इनने छापेमारी की और अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। कुख्यात अपराधी मोहम्मद दुलारे को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद दुलारे और उसके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। इसने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में और जब पूछताछ के आधार पर जब बरामद की हुई तो 8 से 10 माह पहले 4 संवेदनशील घटनाएं हुई थी जिनका खुलासा हो गया है। आपको याद होगा कि 2022 में अगस्त में 27 अगस्त को जहां हम लोग हैं अभी खानपुर थाना में ही प्रियंका ज्वेलर्स के यहाँ स्वर्णकार की लूटपाट के दौरान एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद FIR दर्ज की गई थी और घटना का उद्भेदन का प्रयास किया जा रहा था। इस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। जुलाई माह में 19 जुलाई को अंगारघाट थाना के अंतर्गत एक पिकअप चालक से 8 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है। दिसंबर माह में 15 दिसंबर को वारिसनगर में भी एक सोना व्यवसायी के साथ ही लूट हुआ था। हालांकि ज्यादा राशि या सोना नहीं लूट पाए थे लेकिन लूटकांड हुआ था, उसका भी उद्भेदन हो गया है। और अगस्त माह में 15 अगस्त को नगर थाना अंतर्गत जर्दा व्यवसायी के साथ एक लूटकांड हुआ था जिसमें गोली चलाई गई थी, उस लूटकांड का भी उद्भेदन हो गया है। तो कुल 4 लूटकांड का उद्भेदन हो गया है और एक गिरफ्तारी गिरफ्तार हो गए हैं। मोहम्मद दुलारे से जब पूछताछ हुई तो मोहम्मद दुलारे ने बताया कि ये लोग जुलाई 2022 से ही एक्टिव थे। जुलाई 2022 में इन लोगों के द्वारा अंगारघाट थाना अंतर्गत जो पिकअप लूटपाट की गई थी वो पिकअप सिंगिया थाना से ही वो पिकअप वाला चलता था। वहाँ जो एक दूसरा पिकअप वाला था जो वहाँ पे कार्य करता था वो दौलतपुर का रहने वाला था और मोहम्मद इकरामुल मियाँ के यहाँ ही इस घटना की प्लानिंग हुई थी। और इस घटना में राकेश जो कि ऑलरेडी जेल में है और मोहम्मद दुलारे, इन दोनों ने जाकर इस घटना को अंगारघाट की घटना को अंजाम दिया था। तत्पश्चात 27 अगस्त 2022 को इन लोगों ने प्रियंका ज्वेलर्स के यहाँ स्वर्णकार की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के 2 दिन पहले घटनास्थल पर दुलारे और अपराधी अउआ करके एक अपराधी है दौलतपुर से खोपुर का है, उसने आके रेकी की थी और रेकी के बाद इन लोगों को ये पता चल गया था कि करीब 8 से 8:30 के आसपास स्वर्णकार जो है अपनी दुकान को बंद करते हुए अपने घर की तरफ निकलते हैं और अकेले जाते हैं। इन लोगों ने रेकी कर ली थी और 27 अगस्त को 4 अपराधी जिसमें राकेश पल्सर, अमजद उर्फ पल्सर, राकेश जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार है, दानिश जो कि सराय थाना सराय वैशाली का रहने वाला है और एक और अपराधी है इसमें अरमान जिसको हम लोग ऑलरेडी खोज रहे हैं, इन चारों ने घटना को अंजाम दिया था। मोहम्मद दुलारे और अउआ ने इस घटना में पूरी लाइनिंग की थी और ये लोग दुकान के सामने ही दोनों खड़े हुए थे। यहाँ से इन लोगों ने फोन किया था रेकी करने के लिए और लाइनिंग के लिए। ये लोग टोटो, अउआ जो है वो मोहम्मद इकरामुल की टोटो चलाता है, उसका ड्राइवर था, वो टोटो लेकर के यहाँ पर आया हुआ था। उस टोटो को हम लोगों ने सीज कर लिया है, जिस हथियार को इन लोगों ने हथियार के थ्रू घटना को अंजाम दिया था। तो जब ये घटना का खुलासा हुआ तो हम लोगों ने राकेश जो ऑलरेडी जेल में है उसको रिमांड पर लिया, उससे पुनः पूछताछ की तो उसने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसने बताया कि घटना के बाद वो हथियार इकरामुल के घर पर ही था। तो इकरामुल के घर पुनः छापेमारी हुई और वो गोपनीय जगह जहाँ पर वो हथियार छुपा के रखा हुआ था उस हथियार की बरामदगी की गई है। जो बैग लूटा गया था वो बैग बरामद किया गया है। घटना में लाइनअप में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी टोटो वाहन उसको बरामद किया गया। अंगारघाट की घटना में भी जो मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी ग्लैमर मोटरसाइकिल जिसका उपयोग किया था वो बरामद की गई है। पिकअप गाड़ी की चाबी जो थी वो बरामद की गई है। इन दोनों से जब और पूछताछ हुई तो नगर थाना भोला टाकिज कांड में ऑलरेडी दुलारे का नाम आ चुका था। तो दुलारे ने से हम लोगों ने पूछा और राकेश से भी पूछा कि आखिर भोला टाकिज कांड के लिए जो हथियार आप लोगों ने यूज किए थे, इन अपराधियों ने जो हथियार यूज किए तो हथियार कहाँ है। वो हथियार बरामद हुए हैं, जो छेनी हथौड़ा रेती इन लोग लेके गए थे भोला टाकिज की घटना में वो बरामद हो गए हैं। जर्दा व्यवसायी के साथ लूटपाट में काला पिट्ठू बैग था वो लूटा गया था वो बरामद हो गया है। चाबी का गुच्छा था वो बरामद हो गया है। और वारिस नगर में भी जो स्वर्णकार के साथ स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूटपाट हुई थी उसमें काला हैंडबैग था, उनके नाम का लिखा हुआ एक टिफिन था
वो बरामद हुआ है और एक सोने का छोटा सा ढोलना था उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो कुल चार घटनाओं की खुलासा हुआ है। इन पूरी चारों घटनाओं का, पहले भी जो घटनाएं हुई थी, इन सबका गढ़ घूम फिर के फिर शेखोपुर दौलतपुर पहुंचा है मोहम्मद इकरामुल कि यहाँ इन घटनाओं की प्लानिंग हुई थी। कुख्यात अपराधी जो पल्सर अमजद उर्फ पल्सर है, दानिश है वैशाली का, और अरमान और राकेश, इन चारों के द्वारा ही इन चारों तीनों घटनाओं का अंजाम दिया गया। चौथी घटना में सिर्फ राकेश और दुलारे, जो अंगार घाटी की घटना थी, राकेश और दुलारे घटना स्थल पर आए थे और इन दोनों के द्वारा ये लूटपाट की गई थी। रंजीत और राहुल कुमार के द्वारा लाइनिंग की गई थी, जो कि रंजीत और राहुल इस बात को जान रहे थे कि पिकअप वाला सिंघिया से पिकअप लेके आता है और उसके पास करीब इतना कैश हो सकता है। तत्पश्चात इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तो पूरा जो ग्रोह है वो स्पष्ट हो चुका है इन चारों घटनाओं में भी। तीन गिरफ्तारियां भी टोटल हुई हैं। राकेश को ऑलरेडी हम लोग गिरफ्तार कर चुके थे, राकेश को पुनः दो दिन के लिए भी हम लोगों ने रिमांड पर लिया था और राकेश से भी पूछताछ हुई और राकेश ने भी जो सामान, जो हथियार उपयोग किए गए थे उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं दी, उसके आधार पर सामान और हथियार को भी बरामद किया गया है। अब हम लोगों के जो ये चार अपराधी हैं, अरमान जो कि कस्बे आर का रहने वाला है, इकरामुल जो कि रहने वाला है दौलतपुर शेखोपुर का, और सराय थाना का दानिश रहने वाला है, और इकरामुल जो कि दौलतपुर से, ये चार जिले के टॉप 10 अपराधियों में आ चुके हैं। पिछले एक साल की लगभग सारी बड़ी घटनाएं ये या तो खुद करते थे या किसी से कराते थे और लड़कों को सिखाते थे, वही लड़के सीखने के बाद फिर स्वयं से घटनाएं करते थे। जैसे कि इन्होंने राकेश और दुलारे को दो घटनाएं करना सिखाया, उसके बाद राकेश और दुलारे ने अपना इंडिपेंडेंट गैंग बनाया और अंगार घाटी घटना को अंजाम दे दिया। और इसमें एक और महत्वपूर्ण नाम आया है जर्दा व्यवसायी के साथ लूटपाट में, जो कि लाइनअप में भी था, उसकी भी हम लोग अभी उसका खुलासा भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग नाम नहीं बताएंगे, उसका गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। तो कुल चार घटनाओं का खुलासा हुआ है और इकरामुल और ये जो चार अपराधी हैं इनको हम लोगों ने अपने टॉप 10 में शामिल कर लिया है। जिस किसी को भी इनकी सूचना मिलती है इन पर शीघ्र ही हम लोग कुर्की करते हुए रिवार्ड भी घोषित करेंगे। ये चारों अभी भागे हुए हैं और दुलारे भी भागा हुआ था, लेकिन दुलारे को पकड़ने में हम लोग सफल हो गए। दुलारे के कन्फेशन पर ही, दुलारे के पूछताछ पर ही फिर हम लोग आगे इन्हें रिकवरी कर पाए हैं। तो चारों घटनाएं स्पष्ट हैं और इस घटना में जिस टीम ने कार्य किया है वो बृहद टीम है, उस पूरी टीम को हम लोग रिवॉर्ड भी देंगे।